महिला विकास एवं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था द्वारा पिछले 15 दिनों से हुड़केश्वर स्थित ढगे प्रॉपर्टी में नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया है, जिसका जायजा लिया NBCN की टीम ने। लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ महीनों से सारे कारोबार ठप पड़े थे, जिसके चलते रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था द्वारा पिछले 15 दिनों से हुड़केश्वर स्थित ढगे प्रॉपर्टी में नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया, जिसके चलते छोटे दुकानदारों को फायदा मिल रहा है। दुकानदारों द्वारा खुद कहा गया कि इस मेले के चलते उन्हें कोरोना काल में हो रही आर्थिक तंगी से निकलने में सहायता मिली है। रिस्पांस तो काफी अच्छा है। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट जैसे जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट बढ़ रही है, लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है, मिल रहा है, जो भी लॉस हुआ था बैकअप भी आ रहा है अभी धीरे धीरे, और अभी है 15 डेज तो हो जाएगा डेफिनेटली। एक्चुअली मार्च से जो 8 मंथ्स का जो कोरोना का जो टाइम पीरियड रहा है, उसी हिसाब से बैकअप होने के लिए इतना जल्दी 15-20 डेज में तो इतना जल्दी बैकअप तो आएगा नहीं, बट 20-30% बैकअप हुआ है और अभी 15 डेज बाकी है, तो आई होप कि हो जाएगा। अभी मेले का जस्ट यानी चालू हो गए, 15 दिन हो गए, पहले कैसे मेले सब बंद थे 9 महीने से, अभी यानी ग्राहकों का धीरे धीरे करके प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है, धीरे धीरे करके पब्लिक भी बढ़ रही है, और जैसे पहले हम 9 महीने से घर पर ही बैठे थे, अभी हमें कैसे मेले के हिसाब से यानी अभी दुकान लगाने का मौका मिला है। अभी तक हम घर पर बैठे थे तो अभी दुकान लगाने का हमें मौका मिला है मैम। जैसे अभी तक मैम हम घर बैठे थे तो अभी हमें जैसे स्टॉल लगाने का मौका मिला है, हमें नहीं तो हमारे जितने भी स्टॉल धारक भाई बंधु जितने भी लेडीज वगैरह है सबको घर के बाहर निकलने का मौका मिला है, सबको अपने अपने स्टॉल लगाने का मौका मिला है मैम। मेरे यानी मेरा स्टॉल राजस्थानी मुखवास से फेमस है, चूरन मुखवास से, मेरे इसमें सभी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे मुखवास हो गए, पान की वेरायटी, चूरन गोलियाँ हो गए, अनारदाना जीरा गोली सब अवेलेबल है, और जैसे नाशनी फिंगर हो गए, पपड़ वगैरह सब अवेलेबल है मैम। मुखवास में अलग अलग वेरायटी, चूरन में अलग अलग वेरायटी है। ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उनको सस्ता सुंदर टिकाऊ चाहिए, और मेरा भी चीप एंड बेस्ट है तो रीजनेबल है सब कुछ, तो बहुत पसंद करके लेके जा रहे हैं। सेफ्टी तो बहुत है, हमारे हर स्टॉल पे सैनिटाइजर मिल जाएगा, सबने मास्क लगा के रखा है। अभी कस्टमर एकदम उत्साहित हैं बहुत ज़्यादा, और ख़रीदने आ रहे हैं एकदम, उनको लग रहा है बहुत दिनों के बाद हम बाहर निकले हैं ना, तो अच्छा रेस्पॉन्स भी अच्छा है। मेले से तो बहुत हेल्प हुआ है, एंटरटेनमेंट भी है और प्लस हमारा बिजनेस भी चालू है। अच्छा चल रहा है ये यहाँ का मेला। हाँ, ये सेल भी अच्छा है और पब्लिक भी आ रही है, और ज़्यादा दिन रहेगा तो और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ मेरी इमिटेशन ज्वेलरी है और साड़ी है, ड्रेस मटेरियल है, कुर्ती है और पर्स है। अच्छा मिल रहा है क्योंकि ये चूड़ी और जो ज्वेलरी है वो लेडीज़ को बहुत सारे पसंद आ रही है, अच्छा रहेगा मेरे को। हाँ, इसी होप से मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 6 महीने कुछ काम नहीं था, अभी यहाँ मेरे को काम मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। और साड़ी सबको पसंद आ रही है। अच्छा है प्रतिसाद तो, और यानी अच्छी है, यहाँ पे क्राउड भी अच्छा है। हमारा हैंड वॉश, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर और हार्पिक, लाइजॉल, यानी नेचर ग्रीन के प्रोडक्ट है हमारे पूरे। ZMIL फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड हमारे कंपनी का नाम है। हाँ, क्लीनिंग प्रोसेस, होम केयर प्रोडक्ट, और एक मोरिंगा और स्पिरुलिना भी रखा हुआ है हमने यहाँ पे, जो हेल्थ प्रोडक्ट है। ग्राहक ले रहे हैं चीज़ें, लोगों को भी पता चला है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, और कोरोना के बाद यानी इसकी डिमांड जो है वो बढ़ी रही है। फाइनेंशियली बूस्ट, यानी इतने दिनों से जो खाली बैठे थे तो एक एनर्जेटिक भी एक यानी हुआ है ग्रोथ, और दूसरी बात की यानी इतने यानी जो प्रभाव जो अभी पड़ा था मार्केट में तो कहीं ना कहीं वो ग्रो अप हो रहा है। सेफ्टी मेजर जो है यानी वही मास्क है, और बार बार हम लोग जो है वो हैंड वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, और जो लोग भी आ रहे हैं वो भी मास्क वगैरह यानी सब जो पूरा पालन जो हो रहा है कोरोना के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी यहाँ पे यानी हो रही है। मैडम, हमारी अभी लॉकडाउन से तो परिस्थिति बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन हम मेले में आ गए और हमको रोजी मिली मेले से, तो हमारी घर की परिस्थिति अभी सुधर रही है। हाँ, पैसे लगे देखते अभी अभी मेले में हमको रोजी मिली तो हमारा घर भी अच्छा चल रहा है मैडम, नहीं तो अभी तो लॉकडाउन से बिल्कुल परेशान थे हम।
ये हम बुकिंग का काम करते हैं मैडम, बुकिंग के पैसे देते हैं हमको। नहीं मैडम, वो ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर दिखे तो उनको लेते नहीं मैडम। सेफ्टी है मैडम सब जन, हम भी सब जन मास्क लगा के आते हैं, हमको सैनिटाइजर गिल लगा के हम बैठते तो सैनिटाइजर लगाते हैं बार बार, यानी कि सेफ्टी से रहते हैं हम सब। लॉकडाउन के कारण बहुत महीनों से लोग घरों में हैं, जिसके कारण उन्हें बोरियत हो रही थी और इस बोरियत का निवारण करने के लिए यह एक्सपो एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, ऐसा खुद ग्राहकों का कहना है। ग्राहकों द्वारा ये भी कहा गया कि इस एक्सपो में कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सारी सावधानियां बरती जा रही है। हमें आज यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना के चलते बच्चों के लिए मतलब कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं हुआ था, बट अभी उसके चलते मतलब हम लोग बहुत हैप्पी है कि यहाँ पे मेला लगा और हम यहाँ पे एंटरटेन के लिए बच्चों को ला सके हैं, फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं बच्चे। शॉपिंग में मैम मुझे तो यहाँ पे शूज काफ़ी अच्छे हैं, अलग अलग वेराइटी है, जैसे जयपुर से कुछ लोग आए हुए हैं, कोई पान की शॉप लगी हुई है, वो भी अमिताभ बच्चन कह के पान बनारस वाला जो है वहाँ से आए हुए हैं। बस आर्टिजन काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे और काफ़ी शॉपिंग भी करे हमने, बच्चों के लिए तो काफ़ी एंजॉयमेंट फुलफिल एंजॉय कर रहे हैं, मेरे बच्चे तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। सेफ्टी मैम ऐसा है, सेफ्टी में यहाँ पे आते ही सैनिटाइजर, डिस्टेंस मेंटेनिंग, टेम्परेचर लिया जा रहा है। अभी करने की चीज शॉपिंग फिलहाल यही घूमने इधर आए हैं, सभी को मास्क पहनना जरूरी है बोल रहे हैं और सैनिटाइजर हाथ में लगाना है। एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा अच्छा लगा मेरा ये, लेकिन सबने प्रोटेक्शन देने को ना अपने अपने हिसाब से, मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर करना जरूरी है, गेट पे सैनिटाइजर हुआ यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ फैमिली के साथ आए, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ शॉपिंग करेंगे अभी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शॉपिंग मेरी मम्मी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, और राइड्स पे गई। नहीं मम्मी, मेरी बहन और सारे। हाँ यहाँ पे सैनिटाइजर का कभी कभी बोलने के बाद वो लोग खोलते हैं। नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, शॉपिंग एक्सपो एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था ने किया है और इस आयोजन में उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर प्रशासन की सहायता से काम आसानी से हो गए। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ दिशा हटवार, NBC News नागपुर।